अरे ओ तो 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 ठीक है ठीक है हाँ आप देखिए बुक फ्लिपकार्ट पे बहुत ही कम दिनों में अभी 15-20 दिन हुए लॉन्च हुए और फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर का टैग मिला है और ऐसा अकेली ऐसी किताब है जिसपे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इसे परचेज करें फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से तो आप वहाँ पे रेटिंग जरूर कर दें। जब मैं रवि जी को पहली बार इंस्टीट्यूट अपने बुलाया था और मैंने कहा था कि रवि जी एक वीडियो का एक बैच आ रहा है, हाँ वीडियो था, आप इसमें पढ़ाना शुरू करिए, ऑफलाइन के मास्टर आदमी आप, इनको मैंने दूसरे तालाब में बुला लिया था और अब जो तालाब के समुंदर था उस समय, और रवि जी ने जब पहली बार मार्कर पकड़ा और स्क्रीन ओपन किया, स्क्रीन नहीं था उस समय तो नॉर्मल बोर्ड था, वाइट बोर्ड था, वाइट बोर्ड का, तो रवि जी ने पहली बार मार्कर पकड़ के जब इस वाइट बोर्ड पर अपना ऐसे हाथ लगाया तो इनका हाथ ऐसे सुनने लगा कैमरा था, कैमरा, कैमरे का जो इफेक्ट होता है शुरुआत में सभी के साथ होता है। मुझे बोर्ड टांग के जब पढ़ाने का मैं पहली बार 2016 में तय किया था, दिसंबर का महीना था 2016, बहुत आता था, जानकारी होना अलग बात है लेकिन पढ़ाना एकदम अलग बात है। और याद है कि उसमें मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपने दीदी से 22,000 रुपये मांगा था, मेरी दीदी साथ मैरिड थी, तभी मैरिड थी, तो उन्होंने मुझे 22,000 रुपये मैंने उधार मांगे थे, बाद में उनको चुकाया, तो 22,000 रुपये उन्होंने दिया, तो मैंने उसमें 3,000 का बोर्ड खरीदा, 15,000 का कैमरा खरीदा और कुछ पैसे मार्कर वार्कर में मैंने खरीदे थे, लेकिन बड़ा उत्साह से तो खरीद लाया। और जब बोर्ड लगा के, वाइट बोर्ड लगा के मैंने मार्कर से पढ़ाने के लिए कैमरा ऑन किया, जैसे ही कैमरा ऑन हुआ मेरी बुद्धि गुल हो गई, बोली नहीं निकल रही थी लगभग सप्ताह भर प्रयास करने के बाद, अच्छा 10-5 मिनट रिकॉर्ड भी हो जाती तो फिर मैं नर्वस हो जाता, फिर मैं रख के वहाँ से कैमरा ऑफ करके सो जाता कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 7वें-8वें दिन इस तरह से करते करते फिर मैंने किसी तरह से 1 घंटे का क्लास लिया, थोड़ा कंकपी हो रही थी, आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा मैं नर्वस होकर पढ़ा रहा हूँ, पहले वीडियो में कैमरे की तरह कम देख रहा हूँ, थोड़ा देख के फिजर देखने लगा तो उस दिन मैंने किसी तरह 1 घंटे का जो प्रयास किया उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ, इस तरह से होता है। इसी तरह से रवि जी ने भी किया था। आलोक सर ने, जहाँ तक मेरा 6 से 7 वर्ष का आलोक सर का साथ है, आलोक सर ने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए हैं वो बहुत यूनिक किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेली के प्रयासों में, उनकी बारंबारता बहुत अधिक होती है उनके प्रयासों की, लेकिन बच्चों के हित में उन्होंने जो भी काम किया है, पढ़ने वालों के हित में उन्होंने जो भी काम किया है वो बहुत शानदार किया है। किताबों के प्रयास सबने किए हैं, हम लोगों ने भी किताबों के प्रयास किए हैं, पिछले 7 वर्षों से लगातार हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलर का टैग होता है ना, वो बेस्ट सेलर का टैग सबको नहीं मिलता, और ये बेस्ट सेलर का टैग सर ने मेरे को मिला है, तो इसको सर बहुत बढ़िया से डिजर्व करते हैं और एक्चुअल सर इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। क्योंकि यदि हम लोग देखें इसको, तो मुझे याद है 2016-17 में सर, जब सर से मिला था तो हम लोग, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन के बारे में मुझे पूरी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मार्कर को पकड़ने से लेकर और कैसे आई कॉन्टेक्ट बच्चों से किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे बच्चों को कनेक्ट किया जाता है, उसको सिखाने वाले मुझे आलोक ही सर हैं। क्योंकि आलोक सर से पहले मैं कभी जब मिला नहीं था, मैं कभी ऑनलाइन खड़ा नहीं हुआ था। इसकी पहली प्रति आपके पास है, पहला भाग है, दूसरा भाग भी आ रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ रहा है। आलोक सर ने, मतलब जो उनकी वास्तविक गुण है, जो उनकी वास्तविक क्वालिटीज है, वो आपको उस किताब में परिलक्षित होंगी। दूसरी बार आप आलोक सर को बहुत बेहतरीन मेहनत के रूप में और पहली बार कंटेंट के रूप में किताबों में आप देखने चल रहे हैं, जरूर इसको देखें सर। बहुत शुभकामना सर। मैं पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से और मैं आलोक सर को फिर और संदीप जी कामना और बधाई इनकी किताब के लिए भी। पहले तो हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इमोशनल भी करता है। हम लोग जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं उसकी जो थीम है, जो आलोक सर ने हम लोग को बना के दी, आज भी हम लोग को टच करती है। लेकिन जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, दूर दराज गाँव देहात के लोगों से मिलते हैं, तो लोग का यही कहना होता है कि आप टारगेट विथ आलोक वाले हैं, जिसे आलोक सर ने शुरू किया था ज्योग्राफी पढ़ा के। रियली हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है और मैं चाहता हूं कि आलोक सर इससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल करें, इससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और यह किताब सच में एक अभी छोटी शुरुआत है, इससे कहीं ज़्यादा की उपलब्धि अभी आलोक सर के हक में है। बस इतना है, थैंक यू।